Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Happy New Year to everyone. I promise you guys ki main 2023 favorites karne wali hu. And there you go. Finally, maine sare products nikal liye. It's like a huge basket. Video kafi lambi hone wali hai. So just in case you are like free, agar lunch karne wale ho lunch kar lo, dinner karne wale ho dinner kar lo, chai coffee leke jo baithna baith jao, because kafi lambi video hai. In this video, I'll be including my skincare, acne skincare favorites, then hair care, body care, sab kuch makeup. मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही बिकॉज फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. आई माइट मेक अ शॉर्ट्स ऑन मेकअप. दीज आर लाइक माय प्रॉपर वाले नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन दैट आई ट्रूली ट्रूली लव्ड इन 2023. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स स्टार्ट माय फेवरेट कैटेगरी एंड योर फेवरेट कैटेगरी टू, विच इज स्किन केयर. सो स्किन केयर का स्टेप नंबर वन होता है फेस वॉश. एंड इस साल आई थिंक मैंने काफी सारे फेस वॉशेस ट्राई किया. दिस पर्टिकुलर फेस वॉश हैज टू बी माय स्टार फेस वॉश ऑफ 2023. दिस इज द बायोडर्मा पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी सारे आप डर्मैट के पास भी जाओगे ना, वो भी ये फेस वॉश रिकमेंड करते हैं. इट इज अ वेरी रेयर फेस वॉश जिसके अंदर एक्सफोलिएटिंग ग्रैन्यूल्स हैं, बट इट इज टोटली सेफ फॉर एक्ने प्रोन स्किन. लाइक मैंने इसको अपनी एक्ने स्किन पर भी यूज करके देखा है. इट इज नॉट ऑल हार्श. देर आर डेज जब लगता है कि यार हल्का फुल्का एक्सफोलिएशन करना है, यहाँ पे ऐसे ब्लैक हेड्स फील होते हैं, स्किन पे एक रफनेस बंपीनेस फील होती है, तो उस टाइम पे मैं यूज करती हूँ. दिस इज नॉट माई एवरीडे फेस वॉश, लेट मी जस्ट क्लियर इट, बिकॉज इसके अंदर बहुत छोटे एक्सफोलिएटिंग ग्रैन्यूल्स हैं. सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको डेली बेसिस पे यूज करो, बट फॉर लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, या जिस दिन आपने हैवी मेकअप किया हो. लाइक अभी मैं जब थाईलैंड से वापस आई थी, आई फेल्ट लाइक माई स्किन इज लाइक वेरी फुल ऑफ डेड स्किन, तो उस टाइम पे मैंने इसको यूज किया था. लव 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 दिस वन. इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राइटनिंग क्लेंजर, एक्सफोलिएट इवन आउट स्किन टोन. दिस इज फॉर डार्क स्पॉट्स एंड सेंसिटिव स्किन. तो एक तरह से आप कह सकते हो सेंसिटिव स्किन के लिए उन्होंने एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश निकाला है. इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, बट लुक एट द क्वांटिटी. आपको इतनी बड़ी ट्यूब इस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है, विच इज टोटली लाइक वर्थ इट, बिकॉज मैं इसको आई थिंक अप्रैल से यूज कर रही हूँ और अभी भी इसके अंदर काफी सारी क्वांटिटी बची है. सो प्राइस को मत देखो, इट इज लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये आपके पूरे साल चलने वाली है. अनदर फेवरेट फेस वॉश ऑफ माइन इज लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड रेंज वाला फेस वॉश. वो आप मेरी एमटीज वाली वीडियो में देखने वाले हो, बिकॉज वो मैंने अपने एमटीज के जार में डाल दिया है. मुझे अभी मॉइस्चराइजर देख के आता है कि वो भी फीचर करना चाहिए था. सो स्टे ट्यून फॉर माई एमटीज वीडियो, उसके अंदर भी आपको काफी सारे रिकमेंडेशन मिलने वाले हैं. लेकिन उस टब में से मैं ये वाला मॉइस्चराइजर तो ले ही आई, बिकॉज ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर आया 2023 का. दिस इज द लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग डे क्रीम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो इनके साथ मैंने कैंपेन किया था, आई थिंक मार्च या अप्रैल, आई थिंक अप्रैल या मई में मैंने एक लॉरियल पैरिस का कैंपेन किया था. द कैंपेन वॉज ऑफ अंडर आई सीरम. इसी रेंज का अंडर आई सीरम आता है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी रेंज भेजी थी, बिकॉज लास्ट में हमें एक रूटीन करके दिखाना था. तो तब मैंने जब इसको ट्राई किया, आई लव्ड इट. मैं इसको कॉन्टिन्यूसली, मैंने पूरी समर्स ये वाला मॉइस्चराइजर यूज किया. लाइक लुक एट दिस, मैंने अच्छे से पूरा स्क्वीज आउट कर दिया. दिस इज अ रियली नाइस मॉइस्चराइजर स्पेसिफिकली फॉर समर्स एंड फॉर ऑयली स्किन. बहुत अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, नरिश करता है स्किन को, लेकिन ग्रीसी नहीं बनाता, चिपचिप नहीं बनाता. एंड बिफोर मेकअप इट इज अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर, बिकॉज मेकअप करने से पहले अगर मैं कुछ मैट मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ ना, फिर वो मेकअप क्रैक होता है, फाउंडेशन क्रैक होता है. बट दिस इज रियली गुड. अब मैं विंटर्स में इतना यूज नहीं कर रही, बिकॉज ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. बट अगर आप समर्स के लिए एक अच्छा जेल बेस्ड प्लम्पिंग मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर देख रहे हो ना, मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर, मतलब आई होप इट मेक सेंस, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. मैंने रिसेंटली जब समर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, अभी सेप्टेम्बर अक्टूबर में, ये छोटा वाला ऑर्डर कर लिया था, बिकॉज ये तो पूरे सीजन चलता है. मुझे पता था विंटर्स में मैं स्विच करने वाली हूँ, और ये भी मैंने पूरा फिनिश कर दिया. ये मैंने रिसेंटली अभी यूज किया है. वेरी वेरी नाइस. अगर आप श्योर नहीं हो ना, तो आप ये मिनी वाला ले सकते हो, बिकॉज ये हल्का सा एक्सपेंसिव है. मैंने क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च का ना सैंपल यूज करा हुआ है, एंड ट्रस्ट मी ये बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है. सो अगर आप वो क्लिनिक वाला एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते, उसका हाफ प्राइस पे ये आपको मिलता है. सो ट्राई दिस वन. नेक्स्ट वी हैव मोर मॉइस्चराइजर्स. आई रिमेंबर ये सबसे पहला कैंपेन था जो मैंने शादी के बाद किया था. आई लव दीज मॉइस्चराइजर. अब इनको नॉन स्पॉन्सर रिकमेंडेशन मिल गई है. दीज आर बाय न्यूट्रीडर्म. आई थिंक आपने बहुत लोगों के व्लॉग्स यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी देखा होगा. नंबर वन इज न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई वाला. दिस इज रियली नाइस फॉर समर्स, बिकॉज समर्स के हिसाब से एक अच्छा लाइट मॉइस्चराइजर है. व्हाइट कलर का जैसे टेक्सचर होता है. अब तो आई थिंक थोड़ा सा बाहर आया है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हल्की हल्की इसमें फ्रेग्रेंस है, बट आई थिंक इट इज फ्रेग्रेंस फ्री. या इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, लेकिन इसमें एक माइल्ड फ्रेग्रेंस आ रही है. दिस इज वेरी नाइस फॉर समर्स. अगर आप समर्स में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना चाहते, यू वॉन्ट टू यूज लाइक अ वाइट क्रीमी वाला मॉइस्चराइजर, ट्राई दिस वन. वेरी वेरी नाइस. एक्ने प्रोन स्किन हो, रेड हो रखी हो स्किन, या फिर बैरियर खराब हो गया हो स्किन का, इट विल डेफिनेटली सूट यू. ये तो मैंने पूरी स्क्वीज आउट कर दी थी, आप इसकी हालत देख सकते हो. ये भी मैं अपनी एमटीज में अब डालने वाली हूँ. काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको एमटीज में भी देखने को मिलेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. नाउ सेम रेंज का ही, सेम रेंज नहीं बोलूंगी, आई थिंक सेम ब्रांड है न्यूट्री
डर्म का ही ये डर्मा वीव भी आता है. सो उन्होंने मुझे ये वाला भी भेजा था, दिस इज द डर्मा वीव मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर ड्राई स्किन कंडीशन. एंड इसके ऊपर लिखा भी हुआ दिस इज फॉर एक्जिमा बेसिकली प्रोन पीपल एज वेल. दिस इज रियली नाइस फॉर विंटर्स. तो ये जो पूरा कॉम्बो है ना, ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन, और ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन. ये तो मैंने रिसेंटली फिनिश किया है, आई थिंक 2-3 वीक हुए हैं. उससे पहले मैं इसको अच्छे से निचोड़ के निकालती थी. वेरी नाइस मॉइस्चराइजर, इसको मैं रात को यूज़ करती थी. मैंने अभी एक नॉन स्पॉन्सर्ड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे. अगर आपने नहीं देखा होगा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड सम रियली अमेजिंग रील्स आउट देयर. मैं वहाँ पे काफ़ी सारे रिकमेंडेशन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. तो मैंने एक नॉन स्पॉन्सर्ड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर किया था, उसके अंदर मैंने यही वाला मॉइस्चराइजर यूज़ किया था. इट्स समथिंग विच इज डर्मैट रिकमेंडेड. आई वॉज नॉट रियली श्योर कि इसको मुझे फीचर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन आई वॉज लाइक, मैं ऑनेस्ट 2023 फेवरेट रिकमेंडेशन कर रही हूँ तो मुझे दिखाना ही चाहिए. सो मैं पहले आपको वार्निंग दे देती हूँ, दिस इज अ डर्मैट रिकमेंडेड ओनली. इनफैक्ट ये ओवर द काउंटर जेल है जो आप केमिस्ट पर लेने जाओगे, पहले आपको डर्मैट का एक प्रिस्क्रिप्शन दिखानी पड़ेगी. दो जब भी मैं बाद में लेने गई हूँ, कोई कुछ नहीं पूछता इंडिया में, कोई कुछ नहीं पूछता. बट आई थिंक दिस इज समथिंग आपको पहले अपने डर्मैट से अप्रूव करना चाहिए, फिर पहले पैच टेस्ट करना चाहिए, फिर ही यूज करना चाहिए. सो बिफोर वेडिंग मैंने आई थिंक अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके बाद फेब में मेरी शादी हुई, मैंने 3-4 मंथ्स का पूरा स्किन केयर का कोर्स किया था. जो डर्मैट ने स्ट्रिक्टली बोला मैंने वही यूज़ किया. मैंने ज़्यादा स्किन केयर कोलैबोरेशंस उस टाइम नहीं करी थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई रियली वांटेड माय स्किन टू बी क्रिस्टल क्लियर ऑन माय वेडिंग. सो जो भी मेरे बम्पीनेस हो रहे थे, एक्ने हो रहे थे, मेरी डर्मैट ने ये मुझे एक तरह से उपाय बताया था जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मैं अब तक यूज़ करती आ रही हूँ. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई फिनिश 3 ट्यूब्स ऑफ दिस वन. दिस इज़ द अडैप्लिन जेल, इसका नाम अडाफ्रिन है. दिस इज 0.1% अडैप्लिन आई थिंक, एंड दिस इज़ रियली नाइस फॉर एक्ने. जब भी मुझे एक्ने होते हैं, या तो मैं इसको डायरेक्टली एक हल्का सा लेके एक्ने के ऊपर लगा लेती हूँ, अदरवाइज अगर बहुत सारी जगह पे कॉमेडॉन्स हो रहे हैं, एक्ने के ब्रेकआउट ज़्यादा हो रहे हैं. सो मेरी डर्मैट ने जो बताया है, ये सेबामेट का क्लियर जेल आता है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट इज़ लाइक अ क्रिस्टल क्लियर जेल, जैसे एलोवेरा जेल होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही. काफ़ी सारा भी बचा हुआ है बिकॉज मैं विंटर्स में यूज़ नहीं करती है, काफ़ी सारा ड्राइंग है. सो ये जेल में मुझे पी साइज अमाउंट, पी साइज मटा का दाना जो होता है उतना लेना होता है. आई हैव टू मिक्स इट, और जहाँ पर भी एक्ने है मुझे वहाँ पे इसको अच्छे से मसाज करना होता है. लिप्स के आसपास नहीं लगाना, अंडर आइज के आसपास नहीं लगाना, बिकॉज ये ड्राई आउट कर देगा. ऑल्सो इसको फीचर कर ही दिया तो इसको भी रिव्यू कर ही देती हूँ. दिस इज़ द केयर जेल, दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. समर्स में अगर आप बहुत ज़्यादा आपको एक्ने के ब्रेकआउट्स हो रहे हो ना, ट्राई दिस वन, दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस. जब बहुत पीक पे समर्स होते हैं ना, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, देन ऑन दोज डेज आई प्रेफर कि मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करूँ. एंड दिस इज समथिंग दैट सूट्स मी ड्यूरिंग दोज एक्ने कंडीशन. सो अगर आपको एक सिंपल जेल देख रहे हो अपने एक्ने को सूथ करने के लिए, थोड़ी सी अपनी स्किन की रेडनेस को काम डाउन करने के लिए, दिस इज अ रियली नाइस मॉइस्चराइजर. आई हैव टू मोर मॉइस्चराइजर जो आप सेकेंड हाफ ऑफ 2023 का फेवरेट मेरा बोल सकते हो, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो ऑब्वियसली मैंने खरीदे भी नहीं थे. सबसे पहले है ये नेल्सन का कैलेंडुला मल्टीपर्पज क्रीम फॉर रफ ड्राई फ्लेकी एंड चैप्ड स्किन. सो मैंने जब बाली के लिए पैकिंग करी थी ना, वी वेंट ऑन अ हनीमून टू बाली, आई थिंक इट वाज इन सितंबर या अगस्त एंड से लेके सितंबर फर्स्ट वीक का हमारा ट्रिप था. एंड आई थॉट बाली इज़ लाइक अ ट्रॉपिकल रीजन, गर्मी होगी, तो मैंने सब कुछ जेल बेस कैरी किया. मैंने कोई भी नरिशिंग मॉइस्चराइजर नहीं कैरी किया, और वहाँ पे सनबर्न होने की वजह से, धूप होने की वजह से, हम काफ़ी ज़्यादा पानी में थे, बीच पर थे, मेरी स्किन ड्राई होनी शुरू हो गई. स्पेसिफिकली मेरी नोज़ काफ़ी सेंसिटिव है, तो ये पूरा एरिया मेरा ना पील होता है, ऐसे पील्स निकलते हैं, बिकॉज माई दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव. सो मैं तब वहाँ पे एक फार्मेसी पे गई, वहाँ पे गार्डियन फार्मेसी काफ़ी फेमस है, आपको वहाँ पे हर जगह दिख जाएंगे. सो आई वेंट देयर, आई शोड माय स्किन. वहाँ पे जो स्टाफ भी होता है ना, वो आपको रेकमेंड भी करता है. सो उन्होंने मुझे ये मॉइस्चराइजर रेकमेंड किया था कि ट्राई दिस वन, इस पे लिखा भी हुआ है फॉर रफ ड्राई फ्लेकी चैप्ड स्किन, एंड इट वर्क रियली वेल फॉर मी. इसकी पैकेजिंग बिल्कुल बोरोलिन जैसी है, यू कैन सी, बट दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. मैं अभी थाईलैंड भी गई थी, मैं यही मॉइस्चराइजर लेके गई थी. दिस इज़ लाइक नरिशिंग, ये जो भी ड्राइनेस होती है उसको तो ठीक करता ही करता है, बट एट द सेम टाइम स्किन को ऑयली नहीं बनाता. सो दिस इज अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर. रिमेंबर रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि काश मैं ये वाली ट्यूब और लेके आई होती, एंड समवन रिप्लाई टू दैट स्टोरी कि ये इंडिया में भी अवेलेबल है. सो अगर ये अमेजोन पे कहीं पे भी अवेलेबल होगी, मैं इसका लिंक डाल दूंगी. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस, वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर एक्ने स्किन कंडीशन जो थोड़ी सी ऑयली भी है लेकिन हल्की हल्की फ्लेकी भी हो जाती है. बिकॉज जब आप ऐसे एक्ने ट्रीटमेंट भी यूज करते हो ना, इनकी वजह से भी उस पर्टिकुलर एरिया में ड्राइनेस आती है, बिकॉज ये स्किन को सुखाता है, तो तब हमें एक ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए. सो दिस इज वेरी नाइस फॉर
for that purpose. And something on the similar lines is this particular moisturizer. In fact, packaging भी थोड़ी थोड़ी सेम है, आप देख सकते हो. इसका अगर मैं थोड़ा सा अफोर्डेबल ड्यू बोलूंगी तो मैं इसी को बोलूंगी, बिकॉज ये INR में मुझे 500-600 समथिंग का पड़ा था. सो या दीज टू काइंड ऑफ वर्क सेम. दिस इज द एम्ब्रोलस ले क्रीम कंसनट्रेट. ये कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है, बट दिस इज हाउ द ट्यूब लुक्स लाइक. जितने भी टॉप मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो यही पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर यूज करते हैं. दिस इज वेरी 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 नाइस. मैंने कल्ट से लिया था, जब कल्ट पे 50% ऑफ चल रहा था, मुझे तभी दिखा एंड मैंने इंस्टेंटली ऑर्डर डाल दिया था. बिकॉज जो कल्ट ऐप है उसमें बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो 50% पे होते हैं. ये कभी डिस्काउंट पे नहीं आता. नायका पे तो हमेशा फुल प्राइस पे अवेलेबल होता है. ये छोटी सी ट्यूब भी आई थिंक 1100 या 1500 की आती है, बट दिस इज वर्थ इट. जितने भी आपको अच्छे मेकअप आर्टिस्ट दिखते हैं ना, वो यही मॉइस्चराइजर सारे अपने ब्राइड्स को लगाते हैं. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. इसका नाम भी है मल्टी फंक्शन नरिशिंग मॉइस्चराइजर. ये मॉइस्चराइजर है, मेकअप प्राइमर है और एक मॉइस्चराइजिंग मास्क का काम करता है. दिस इज समथिंग जो मैं बचा के रखती हूँ. मैं इसको अननेसेसरी डेली में नहीं यूज करती, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव. लेकिन अच्छे पार्टी मेकअप, एक HD लुक के लिए ना, ऐसा मॉइस्चराइजर तो आपको चाहिए चाहिए. बिकॉज जो आप बेस पे अच्छा मॉइस्चराइजर लगाते हो ना, ओवरऑल लुक काफी अच्छी निकल के आती है. सो या इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक फॉर अ फ्लॉलेस मेकअप लुक. नेक्स्ट अप वी हैव सनस्क्रीन्स. यू गाइज नो आई लव सनस्क्रीन्स. वी हैव टू यूज सनस्क्रीन्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं जाना चाहिए. स्पेसिफिकली इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्कारिंग स्किन, तो सनस्क्रीन ही आपको बचा सकती है. सो नंबर वन फेवरेट सनस्क्रीन, जो आप मेरे एम्प्टीज में भी 3-4 पता नहीं कितनी ट्यूब्स देखोगे. आई थिंक यहाँ पर तो 2 ट्यूब्स ही मैंने फिनिश करी है. मेरे अपने घर पर भी इसकी 2-3 ट्यूब्स एम्प्टीज में जरूर पड़ी होंगी. ये है बायोडर्मा का फोटोडर्म एक्वा फ्लूइड SPF 50+, एंड दिस इज अ वेरी थिन कंसिस्टेंसी सनस्क्रीन. ये सेंसिटिव स्किन के लिए बनी है. दिस इज मॉइस्चराइजिंग अल्ट्रा लाइट टेक्सचर ड्राई टच. इसका नाम ड्राई टच है, बट ये बिल्कुल भी मैट नहीं है. इट इज अ वेरी वेरी नरिशिंग सनस्क्रीन एंड इट लुक्स लाइक अ फाउंडेशन. सो इसमें शेड्स आते हैं. मैं जो ये शेड यूज करती हूँ, द शेड नेम इज क्लियर लाइट. यहाँ पे शेड लिखा होता है, दिस इज क्लियर लाइट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये काफी अच्छे से ना एक बेस का भी काम करता है. अगर आप एवरीडे मेकअप लुक के लिए कुछ देख रहे हो ना, कि आपको फालतू में ऐसे फाउंडेशन बीबी क्रीम नहीं लगानी, आपको खाली एक स्किन टिंट चाहिए, तो आप ये ले सकते हो. ये सनस्क्रीन का भी काम करता है, एक स्किन टिंट का भी काम करता है. इसके ऊपर पाउडर लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओ, जस्ट अप्लाई लिप ग्लॉस एंड ऑल एंड यू आर गुड टू गो. सो एवरीडे लुक्स के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है. मैं मैक्सिमम टाइम यही यूज करती थी. मैं इसको खाली पीक विंटर्स में नहीं यूज करती थी, बिकॉज This is very nourishing. Like, can you see the shine? इसमें लगाते एकदम फेस ऐसे ग्रीसी वाला शाइन करता है. इसको सेट करना पड़ता है लूज पाउडर से, अदरवाइज फेस बहुत ग्रीसी हो जाता है. लेकिन अभी का जो वेदर चल रहा है ना, दिल्ली की सर्दी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, अजीब से पैचेस पड़ते हैं, तो उस केस में ये काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है. सो इफ यू हैव ड्राई स्किन विच इज़ एक्ने प्रोन या फिर सेंसिटिव स्किन है, और अगर आप कुछ टिंट बेस्ड सनस्क्रीन देख रहे हो, दिस इज़ रियली नाइस. ये एक्सपेंसिव है, बट दिस इज़ वर्थ एवरी पेनी. नेक्स्ट सनस्क्रीन जो मैंने काफ़ी सारी फिनिश करी है, स्पेसिफिकली बाली में, अभी मैं थाईलैंड भी गई थी, वहाँ पर भी ये वाली लेके गई थी. दिस इज़ द डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. ये पहले ऐसे लंबी ट्यूब फॉर्म में आती थी, अब ये ऐसी फॉर्म में आती है. मतलब लंबी ऐसे बट यू वॉल्यूड उसको ट्यूब नहीं बोले, पम्प बॉटल की फॉर्म में आती थी, और अब ये ऐसी ट्यूब फॉर्म में आती है. सो दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. वो था सेम ना, हाँ वो था सेम. ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, इसमें थोड़ी सी बची है. दिस हैज हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, ये फ्रेग्रेंस फ्री है, क्विक एब्जॉर्बिंग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम. मैंने काफी बार अपनी डर्माको की वीडियो में प्रमोट भी करी हुई है. मैंने पेड कोलैबोरेशन में भी इसकी काफी प्रमोशन करे हुए हैं. इट इज अ डिसेंट सनस्क्रीन. लाइक ये ना ऑयली स्किन के लिए, ना ड्राई स्किन के लिए, कुछ मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी है. नरिश करती है स्किन को, काफी अच्छे सन प्रोटेक्शन भी देती है. वेरी वेरी नाइस. एंड लास्ट सनस्क्रीन जो मैं स्पेसिफिक स्किन कंडीशन में यूज करती हूँ, जब स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा ड्राई या फिर एक्ने ट्रीटमेंट्स यूज कर ली, जैसे कि मैंने बताया था एडाप्लीन जेल एंड ऑल लगा लो, स्किन हल्की सी ड्राई हो जाती है, तो उस केस में मैं नेक्स्ट डे ये वाली सनस्क्रीन यूज करती हूँ. दिस इज द डॉक्टर शायद सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन. वी ऑल नो सेरामाइड्स कितने अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए. डॉक्टर शायद की बहुत सारी सनस्क्रीन आती हैं. मैंने रिसेंटली अभी रील अपलोड करी है, जिसके अंदर मैंने डॉक्टर शायद की 5 सनस्क्रीन फीचर करी है, कौन सी किस स्किन टाइप के लिए अच्छी है. मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगी या फिर आपको मेरे रील्स शॉर्ट्स के सेक्शन में दिख जाएगा. आप मेरे YouTube पेज पे जाओ, शॉर्ट्स पर जाओ, आपको अभी स्टार्टिंग में 2nd या 3rd नंबर पे दिख जाएगी. रिसेंटली मैंने डाली थी. सो अगर आप कंफ्यूज हो ना आपको डॉक्टर शेड्स की कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, आप वो शॉर्ट्स देख सकते हो. बट दिस इज काइंड ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन, बिकॉज ये काफी अच्छे स्किन को नरिश करती है. लाइक अगर स्किन का बैरियर खराब हो गया है, एक्ने में रेडनेस है, या फिर बहुत ज्यादा फ्लेकी ड्राई स्किन हो रही है, उस केस में काफी अच्छी है. दिस इज SPF 50 विद PA++. इसके अंदर सेरामाइड है, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है. इसके अंदर मिनरल ऑर्गेनिक दोनों फिल्टर्स है, मतलब केमिकल फिल्टर्स भी एंड
फिजिकल फिल्टर्स भी हैं एंड या दिस सूट्स मी रियली वेल. इनकी और भी सनस्क्रीन्स आती हैं तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हो. कमिंग टू सीरम्स कैटेगरी, यू गाइज नो माई लव फॉर सीरम्स. पहले मैं काफ़ी ज़्यादा स्विच करती थी, यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अपना यूसेज जो है 2023 में कम कर दिया. आई डोंट एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद डिफरेंट सीरम्स, बट टू सीरम्स दैट आर लाइक माई शॉर्ट फेवरेट जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ. वन हैज़ टू बी अ हाइलुरोनिक एसिड सीरम एंड यू गाइज नो माई लव फॉर दिस वन. इसकी तो मैंने 5-6 पता नहीं कितनी बॉटल्स फिनिश कर दी हैं मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर. जितने लास्ट 2 या 3 ईयर्स में एम्प्टीज करें ना, उसमें हमेशा ये वाली बॉटल पार्ट होती है. दिस इज़ द लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम. दिस इज़ अ फ्रेश न्यू बॉटल. मैंने रिसेंटली एक पेड कैंपेन भी किया. वेन दे रीच आउट टू मी फॉर पेड कैंपेन आई वॉज लाइक वाई नॉट, बिकॉज जो चीज़ रेगुलरली यूज़ करो ना उसका पेड कैंपेन मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है. सो मैंने रिसेंटली इसकी एक शॉर्ट्स अपलोड करी थी. इट वॉज अ पेड कैंपेन बट ट्रस्ट मी आई लव दिस वन. इसकी मेरे पास मिनी बॉटल भी है जो मैं अपने साथ ट्रिप्स पर भी लेके जाती हूँ. दिस इज़ अ बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन फॉर योर स्किन. सो इसको लगाने से पहले ना मैं थोड़े से अपने स्किन को डैम्प रखती हूँ. या तो आप फेस वॉश करके आओ, हल्का हल्का ही डैप करो, पूरे फेस को अच्छे से ड्राई मत करो. सम डेज जब मेरी स्किन एकदम ड्राई होती है मैं रोज वाटर स्प्रे करती हूँ, फिर इसको अप्लाई करती हूँ. एंड मैं इसको भी मेंशन कर ही देती हूँ बिकॉज दिस इज अगेन माई 2023 का फेवरेट रोज वाटर. दिस इज द रोज वाटर फेस वॉश मिस्ट. ये 100% प्योर डिस्टिल्ड रोज वाटर है. इसका मैं द ब्रांड नेम इज ड्रॉमेन एंड को. या ड्रॉमेन एंड को इज द ब्रांड नेम. ये हाइप स्टोर पे अवेलेबल है. मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगी. हाइप स्टोर के साथ मैंने काफ़ी काम किया 2023 में. सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मुझे भेजते थे. इसी रेंज का, इसी ब्रांड का एक हेयर ऑयल भी आता है जो काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ. मुझे अच्छा लगा था वो, बट वो मैंने ऑन एंड ऑफ यूज़ किया तो इसलिए मैं ज़्यादा फीचर नहीं करी इसमें. बट दिस पर्टिकुलर वन इज डेफिनेटली अमेजिंग. इसको स्प्रे करती हूँ फेस पे एंड देन आई अप्लाई दिस सीरम फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन इन टू माई स्किन. मेकअप करने से पहले ये सीरम तो मस्ट हैव है. यू लाइक इसके बिना तो मैं कभी हैवी मेकअप कर ही नहीं सकती. ये तो लगाना ही लगाना है. नेक्स्ट सीरम विच इज़ लाइक माई एक्ने स्किन डेज फेवरेट इज अ सैलिसिलिक एसिड सीरम. मुझे डर्माको का सैलिसिलिक एसिड सीरम भी काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे बॉटल मिल नहीं रही. मैं काफ़ी देर से वही ढूंढ रही थी एंड मेरे पास घर पे काफ़ी सारी उसकी बॉटल्स रखी हैं बट यहाँ पर नहीं है. दिस इज़ द मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम. दोनों ही अच्छे हैं. अगर आपको मिनिमलिस्ट सूट करता है मिनिमलिस्ट ले सकते हो, लेकिन डर्माको जो है ना वो ऑल लाइट है, एकदम पानी जैसा है, पतला है, तो ऑयली स्किन पे काफ़ी अच्छे से सूट कर जाता है. नेक्स्ट अप इज अ बेबी ऑयल जिसका आइडिया मुझे मिला था मेरी मेकअप क्लासेस में. बिकॉज हमारा जो अकेडमी है ना वहाँ पे इतना बड़ा ऐसे बेबी ऑयल रखा रहता है जॉनसन का, और हमें बोला हुआ है जब भी आई मेकअप रिमूव करना है, फुल कवरेज मेकअप रिमूव करना है, तो उससे ही करना है बिकॉज काफ़ी जेंटली उससे रिमूव होता है. एंड मैं पहले बेबी ऑयल्स नहीं यूज़ करती थी. आई थॉट ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, कॉमेडोजेनिक होंगे, स्किन के पोर्स ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे, एक्ने निकलेंगे. बट मैंने एक दो बार अकेडमी में ट्राई किया, मैंने अपना आई मेकअप रिमूव करके देखा था और इतनी स्मूथली रिमूव हुआ ना, आई स्ट्रिप ऑफ नहीं हुई, रेड नहीं हुई, आंसू नहीं आए. सो अगर आप कुछ सस्ता ऑयल क्लेंजर देख रहे हो ना, दिस इज़ द वन. एक बेसिक जॉनसन बेबी ऑयल, आई थिंक ये आता है 50-60 रुपीज़ का, या दिस फॉर 65 रुपीज़. वेरी वेरी नाइस. मेरे पास सेम साइज़ का लॉक्सिटान का मेकअप क्लेंजिंग ऑयल है जो मैंने नायका के साथ कोलैबोरेशन में वीडियो बनाई थी, उसमें फीचर किया था. दैट कॉस्ट अराउंड 500-600 रुपीज़. सो सस्ते में तो ये काफ़ी अच्छा मेकअप क्लेंजिंग ऑयल है. यू जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा सा लो, अच्छे से ऐसे मसाज करके फेस पर मसाज करते रहो. ये स्पेसिफिकली मैं उन डेज पे यूज़ करती हूँ जब मैंने सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लगाई होती है, लाइक एक दो बार रीअप्लाई कर ली, सनस्क्रीन स्टिक भी मैंने रीअप्लाई कर ली है, या फिर जब मैंने हैवी पार्टी मेकअप किया होता है. बिकॉज वो जो हैवी बेस होता है ना वो माइसेल्फ वाटर से रिमूव नहीं होगा, यू हैव टू यूज़ ऑयल क्लेंजिंग. तो इसे अच्छे से मसाज करके उसके बाद कॉटन पैड से रिमूव करती हूँ, फिर मैं दोबारा माइसेल्फ वाटर यूज़ करती हूँ एज अ सेकेंड क्लेंजर एंड देन आई डू फेस वॉश. तो एक तरह से मैं ट्रिपल क्लेंजिंग करती हूँ ताकि अच्छे से जो भी मेकअप है स्किन से निकल जाए. कोई भी सनस्क्रीन, कोई भी मेकअप आपको एक्ने नहीं देता, इट इज़ हाउ यू रिमूव इट. अगर आप उसको अच्छे से नहीं रिमूव करोगे तो डेफिनेटली वो कॉमेडॉन्स देगा, वो एक्ने देगा. सो या ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अगर आप कुछ बजट में एक अच्छा मेकअप क्लेंजिंग ऑयल देख रहे हो, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. सो वी आर डन विद स्किन केयर. मैंने लिटरली अपनी ड्रॉर 2-3 बार चेक करी थी, कुछ रह तो नहीं गया, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माई स्किन केयर कैटेगरी. अगर कुछ रह गया होगा तो फ्यूचर वीडियोज में आपको मिल जाएगा. बट ये जो मैंने अभी फीचर करे हैं ना, दीज आर लाइक माई शॉर्ट फेवरेट ऑफ 2023. अब आते हैं बॉडी केयर पे, देन वील मूव ऑन टू हेयर केयर, बिकॉज बॉडी केयर में ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट. सबसे पहले आते हैं बॉडी वॉशेस. सो सबसे पहला जो मेरा फेवरेट बॉडी वॉश रहा है इस साल का, यू कैन से मिड ऑफ द ईयर से एंड ईयर तक, वो है ये बाथ एंड बॉडी वॉश का हेलो ब्यूटिफुल शार जेल. दिस
दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे हमेशा सेल होती है, आप स्टोर चले जाओ, नायका पे चले जाओ, 40-50% ऑफ पे आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट बॉडी वॉश काफी यूनिक है बिकॉज ये एक तरह से 3-in-1 वर्क करता है, दो ये क्लेम नहीं करता लेकिन मेरे लिए तो ये 3-in-1 है बिकॉज नंबर 1 इट इज अ बॉडी वॉश, नंबर 2 इट हैज स्क्रब, इसके अंदर स्क्रबिंग ग्रैन्यूल्स हैं तो एक तरह से बॉडी एक्सफोलिएट हो जाती है, एंड नंबर 3 इट इज वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग। तो इसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर ना भी लगाओ ना चलता है बिकॉज इसको यूज करके स्किन ड्राई नहीं होती। दिस इज द पामोलिव बॉडी बटर कोकोनट जॉय, अभी भी इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग कोकोनट की खुशबू आ रही है ना, मतलब एक कोकोनट स्वीट वाली खुशबू आ रही है विच आई लव, एकदम बॉडी बटर वाली जो खुशबू होती है ना वैसे वाला ये एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है। मेरे पास पामोलिव का पूरा एक PR पैकेज आया था, मैंने सबसे पहले ये वाला पिकअप किया कि ये वाला ट्राई करती हूँ, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। यू कैन सी इसके अंदर ऐसे ग्रैन्यूल्स हैं, सो इसको जो आप यूज करोगे ना, आप इसको लूफा पे नहीं डाल सकते बिकॉज लूफा पे डालोगे ना तो ग्रैन्यूल सारे लूफा में स्टक हो जाएंगे। इसको मैं डायरेक्टली अपनी बॉडी पे मसाज करती हूँ एज अ स्क्रब, तो इससे स्क्रबिंग भी हो जाती है, जो फोम निकलता है उससे एक बॉडी वॉश का काम भी हो जाता है, एंड वंस यू रिमूव इट स्किन एकदम नरिश्ड रहती है, लिटरली ऐसा लगता है आपने एक लोशन भी लगाया हुआ है। तो ये 3-in-1 है, अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर आप काम पे जाते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यू वॉन्ट अ क्विक शावर रूटीन, तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हो, एंड दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। लाइक दिस वन इज फॉर 279 rupees, काफ़ी बड़ा आपको अच्छी लंबी बॉटल मिल रही है, और ये डिस्काउंट पे तो आई थिंक 250-200 पे आपको मिल ही जाएगा फ्रॉम नायका। नेक्स्ट अप इज अ अंडर आर्म रोल ऑन, जिसकी काफ़ी ज़्यादा नीड मुझे पड़ी है पोस्ट लेजिक, बिकॉज मैंने रियलाइज किया लेजर कराने के बाद, मैंने फुल बॉडी लेजर कराया हुआ बाय द वे, आई रियलाइज लेजर कराने के बाद अंडर आर्म थोड़ी सी ज़्यादा स्टिंग करती है। मैंने ये फैक्ट रैंडमली इंस्टाग्राम पे पढ़ लिया था, फिर मैंने सर्च भी किया एंड इट इज एक्चुअली ट्रू। मैंने मेरी फ्रेंड ने भी लेजर कराई हुई है, मैंने उससे भी पूछा था, शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि हल्का सा जो एक स्टिंकी ऑडर आता है ना वो ज़्यादा आता है लेजर कराने के बाद, सो दिस इज समथिंग दैट आई नीडेड। इसको मैं वॉशरूम में रखती हूँ, इसको मैं अपने ट्रैवल बैग में रखती हूँ, फटाफट लगाया फॉर अ नाइस फ्रेश ऑडर। दिस इज अ विश केयर अंडर आर्म रोल ऑन सीरम, मैंने एक पेड कोलैबोरेशन भी करी थी रील्स पर इसके इस ब्रांड के साथ, एंड आई लव्ड इट। इसके अंदर 5% AHA है, कोजिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड, लिकोराइस सी का, सो ओवरऑल ये स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, अगर बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल्स हो जाए ना तो उसको एक्सफोलिएट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम ऑडर कंट्रोल भी कर रहा है, जो भी पैचिनेस या फिर जो काफ़ी बार डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना उसको भी थोड़ा सा कम करने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल दिस इज अ रियली नाइस अंडर आर्म रोल ऑन, अगर आप ट्राई करना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली टेस्ट इट। मैंने और भी फैंसी ब्रांड्स के यूज़ करे हुए हैं लेकिन उसमें एक चिपचिप वाली फील आती है, लाइक काफ़ी बार वो वाइट कास्ट दे देते हैं, कोई कोई चिपचिप बहुत ज़्यादा होते हैं, बट दिस इज समथिंग परफेक्ट। इसका कोई वाइट कास्ट नहीं आता, ये कोई भी स्टिकीनेस नहीं देता, इसका ऑडर बहुत अच्छा है, इट हैज़ अ वेरी मैनली परफ्यूम वाली जो खुशबू होती है इसकी वाली खुशबू है, सो इसमें वो गर्ली फ्लोरल वाली खुशबू नहीं है, इट हैज़ अ वेरी नाइस आफ्टर शेव मैनली वाली खुशबू जो मुझे काफ़ी पसंद है। यू गाइज नो आई लव मैन परफ्यूम, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्ट्रॉन्ग मैनली वाले जो होते हैं, इसकी बिल्कुल वो आफ्टर शेव वाली खुशबू है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो यार इफ यू ऑल्सो हैव अंडरआर्म ऑडर इशूज ट्राई दिस वन, दिस इज वर्थ एवरी पेनी। नेक्स्ट अप इज अ बॉडी स्क्रब, काफ़ी साल से तो मैं एम कैफीन का वो कॉफी बॉडी स्क्रब ही यूज़ कर रही थी, मेरे अपने घर पर अभी भी उसका वो जार रखा हुआ है, मैं जब भी जाती हूँ मैं देखती हूँ ऐसे कैसी वो जार रखा हुआ है, मैं सोचती हूँ ले आऊँ फिर मैं छोड़ देती हूँ वहाँ पर, बट इस साल जो मैंने बॉडी स्क्रब यूज़ किया है वो है ये बोहो बोटानिस्ट का, ये मुझे मिला था मेरे अर्बैनिक के हैम्पर में, मुझे अर्बैनिक का एक छोटा सा हैम्पर आया था तो उसमें मुझे ये रिसीव हुआ था। आई एम नॉट रियली श्योर ये ब्रांड अब एग्जिस्ट करती है नहीं करती, बट आई थिंक करती होगी बिकॉज 2 या 4 महीने पहले आया हुआ हैम्पर, ज़्यादा पुराना नहीं था। सो दिस इज द आलमंड एंड बबासू पॉलिशिंग बॉडी स्क्रब, ऊपर से आप हालत देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है बिकॉज इसके साथ जो स्पैचुला आया था ना वो मैं यूज़ करती थी और इसके ऊपर ऐसे ही रख देती थी और ये पूरा ऐसे ऊपर से मेसी हो गया है, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस स्क्रब, कैन यू सी, मैंने काफ़ी सारा यूज़ भी कर लिया है, सेंटर में एकदम गड्ढा हो गया है, काफ़ी अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इट हैज़ अ वेरी नाइस, इट हैज़ अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। इनफैक्ट जो सोल डे जेनेरो का मेरा बॉडी वॉश है ना, इफ़ यू डोंट नो सोल डे जेनेरो इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड नायका पर, वो बॉडी वॉश ही आई थिंक 2.5 या 3 हज़ार का आता होगा, इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी है, इट एक्चुअली स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक सोल डे जेनेरो वाला बॉडी वॉश, वेरी वेरी नाइस, एक्सफोलिएट बहुत अच्छे से करता है स्किन को, बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है और सेंसिटिव स्किन को भी सूट करेगा बिकॉज इसके जो एक्सफोलिएटिंग ग्रैन्यूल्स हैं वो हार्श नहीं है। फाइनली कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी विच इज हेयर केयर कैटेगरी, यू गाइज नो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग इन हेयर केयर, कोई भी ज़्यादा केमिकल केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराती, कलर्स एंड ऑल नहीं कराती, लेकिन हेयर केयर प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी करती हूँ बिकॉज आई लव यूजिंग डिफरेंट हेयर केयर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आते हैं शैम्पू कैटेगरी पे, सो नंबर 1 फेवरेट शैम्पू ऑफ 2023 हैज़ टू बी प्रियंका चोपड़ा का एनॉर्मली अनकन्वेंशनल हेयर केयर शैम्पू, ये मुझे PR में रिसीव हुआ था फ्रॉम नायका। अगर आपको नहीं पता, एनॉर्मली इज़ अ ब्रांड विच इज़ ओन्ड बाय प्रियंका चोपड़ा, इट इज़ लाइक कंप्लीटली इन्वायरमेंट सेफ ब्रांड बिकॉज
2000 की जो बॉटल हैं वो भी रीयूसाइकल्ड वाली बॉटल्स होती हैं. दिस इज क्लीन, क्रुएल्टी फ्री, वीगन, 100% रीसाइकल ये बॉटल है. इन शैम्पूज में सल्फेट नहीं है, पैराबेन, फैलेट, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, डाई, कुछ भी नहीं है. सो इनकी दो तीन रेंज आती है. द रेंज दैट आई एम यूजिंग इज द स्ट्रेंथनिंग रेंज. ये स्ट्रेंथनिंग शैम्पू है जो रीजुविनेट करता है, रीवाइटलाइज करता है हेयर को. सो इसके अंदर मिलता है राइस वाटर एंड आंवला एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. फोम अच्छे से होता है, काफी डिसेंट इसमें फोम बनता है. बाल बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाते हैं, ड्राई नहीं होते. देयर आर डेज जब मैं काफी ज्यादा लेट हो रही होती हूँ, लाइक टाइम नहीं है, फटाफट नहाना है, बाल धोने हैं, सो मैं लिटरली यही शैम्पू यूज करती हूँ एंड दैट्स इट. मैं कंडीशनर, हेयर मास्क भी लगाती बिकॉज ये अकेला ही खुद काफी अच्छा नरिशिंग शैम्पू है. बाल भी क्लेंस हो जाते हैं, नरिशमेंट भी मिलती है. द ओनली कॉन इज बहुत थिन है, इसकी जो बॉटल है वो ऐसे खुलती है एंड लिटरली आप जब नहाते हो ऑब्वियसली आपके हैंड स्लिपरी होते हैं, गीले होते हैं. काफी बार हुआ है ऐसे पूरा ये पोर आउट हो जाता है. आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल मिल्क जैसे कंडेंस मिल्क होता है ना, कंडेंस मिल्क भी काफी थिक होता है, ये उससे भी पतला है. इट्स लाइक शेक, जैसे मिल्क शेक्स आते हैं ना, इसकी वैसी वाली कंसिस्टेंसी है. तो काफी बार ये वेस्ट हो जाता था बिकॉज ये इतना ज्यादा पोर आउट हो जाता था, फिर सारे को स्पिल हो जाता था. सो इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करो बिकॉज एक्सपेंसिव आता है, वेस्ट नहीं करना. बट या इट इज एक्चुअली वेरी नाइस शैम्पू. अगर आप ट्राई करना चाहते हो नॉर्मली के शैम्पू ये स्ट्रेंथनिंग वाला यूज करना, यू विल लव इट. सेम रेंज का ही कंडीशनर भी आता है जो मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, बट मैं ये फीचर कर रही हूँ तो मुझे लगा ये भी साथ में फीचर कर ही देती हूँ. आप देख सकते हो मैंने इतना यूज किया, यहाँ से यहाँ तक किया है. मैं हेयर कंडीशनर वैसे भी ज्यादा यूज नहीं करती, मैं हेयर मास्किंग ज्यादा करती हूँ. आई फील है हेयर मास्क का ज्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता है एज कम्पेयर टू कंडीशनर्स. तो कंडीशनर्स वैसे भी मेरे कम ही यूज होते हैं. ये थिक है, इट इज अ नाइस थिक कंडीशनर, काफी अच्छे से लाइक ये दोनों जो आपस में वर्क करते हैं ना, इट इज एक्चुअली गुड. अगर आप एक कॉम्बो लेना चाहते हो ना, यू कैन बाय द कॉम्बो बिकॉज कंडीशनर शैम्पू एक साथ काफी अच्छे से अच्छे रिजल्ट देते हैं. नेक्स्ट फेवरेट शैम्पू ऑफ 2023 जो अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आप समझ सकते हो तो मेरा फेवरेट रहा ही होगा बिकॉज इतनी बड़ी बॉटल अगर मैंने साल में खत्म कर दिया ना, सो ये डेफिनेटली अच्छी रही होगी. दिस इज द ट्रेस्मे केराटिन स्मूथ केराटिन एंड आर्गन ऑयल शैम्पू. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. केराटिन के साथ मैंने पेड कोलैबोरेशन करी थी लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर. एक तो अब नया साल बोला मैंने, नया साल शुरू हो गया ना, तो मेरा लास्ट ईयर अभी भी 2022 ही चल रहा है. मुझे याद करना पड़ता है कि अच्छा 2023 अब लास्ट ईयर है. बट 2022 में मैंने पेड कोलैबोरेशन करी थी ट्रेस्मे के साथ, तो तब भी मैंने इनकी छोटी वाली उन्होंने मुझे बॉटल दी थी, तो तब भी मैंने यूज करके देखा था. आई लव्ड इट. इसका कंडीशनर भी काफी अच्छा है. अगेन इफ यू आर अ कंडीशनर पर्सन तो आप इसका शैम्पू कंडीशनर एक साथ यूज कर सकते हो. केराटिन स्मूथ एकदम बाल हो जाते हैं. इसका सीरम बहुत अच्छा है, सीरम भी मैंने पेड कोलैबोरेशन में रिव्यू किया था, काफी अच्छा सीरम है. लाइक द होल रेंज इज रियली नाइस. ट्रेस्मे पे काफी टाइम पहले केस हुआ था कि इनके शैम्पूज में सल्फेट बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा बालों को ऐसे क्लॉग करता है, फ्लेकीनेस बहुत ज्यादा होती है. सो अब ट्रेस्मे ने स्पेसिफिकली लोअर सल्फेट फॉर्मुला निकाला. यू कैन रीड आउट हियर, दिस इज अ लोअर सल्फेट फॉर्मुला. तो ये काफी अच्छे से बालों को क्लेंस करता है. मैं यूजली जो है सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करना प्रेफर करती हूँ. जैसे अनॉमली का हो गया सल्फेट फ्री है, नायका के मैं शैम्पूज काफी यूज करती हूँ. इनफैक्ट मुझे फीचर करना चाहिए था आज, पर नायका के मेरे सारे शैम्पूज अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं तो मैं वॉशरूम से लाई थी इसलिए मैं फीचर नहीं कर पाई. आपको मेरे एमटीज में नायका के शैम्पूज दिखेंगे, वो भी सारे सल्फेट फ्री हैं. बट आई प्रेफर वंस इन अ वीक या फिर वंस इन 10-15 डेज ना आपको सल्फेट बेस्ड शैम्पू भी यूज करने चाहिए बिकॉज यही आपके बालों को डीपली क्लेंस करते हैं. जो सल्फेट होता है ना वो एक्चुअल में अच्छे से आपके बालों को क्लेंस करता है. शैम्पू इज ऑल्सो फ्रॉम द केराटिन रेंज. यू गाइज नो आई लव एवरीथिंग केराटिन. मुझे ऐसा लगता है केराटिन ट्रीटमेंट कराने से अच्छा ना केराटिन बेस्ड हेयर केयर यूज कर लो बिकॉज काफी अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है. आई पर्सनली प्रेफर केराटिन बेस्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज बाल अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, स्मूथ भी लगते हैं और एक अच्छे नरिश लगते हैं. सो ये है स्कॉच ऑफ का बॉनिकेयर रेंज का केराटिन स्मूथ परफेक्ट शैम्पू. ये एकदम क्लियर शैम्पू है. अगर आपको क्रीम बेस्ड शैम्पू नहीं यूज करना है, आपको क्लियर शैम्पूज यूज करने हैं जो एकदम जेल बेस्ड ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो. काफी अच्छे से बालों को क्लेंस भी करता है, अगेन एकदम स्मूथ भी बनाता है. ये तो वैसे भी प्रोफेशनल रेंज है. अगर आपने कोई भी तरह की स्मूथिंग कराई है, आपने केराटिन कराई है, तब भी आपको जो सैलॉन में वो प्रोफेशनल होते हैं ना वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप इसी को यूज करो ताकि आपकी केराटिन लॉन्ग लास्टिंग रहे. नेक्स्ट अप वी हैव बी ब्लेंड के हेयर केयर. ये है उनका कंडीशनर, ये है मास्क, दोनों सेम रेंज के ना इसलिए मैं एक साथ फीचर कर रही हूँ. सो ये बी ब्लेंड का सैलॉन लाइक ट्रीटमेंट इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क. ये मेरा फेवरेट हेयर मास्क रहा है ऑफ 2023. यू कैन सी ऑलमोस्ट मैंने खत्म भी कर दिया है, मैं नीचे आ चुकी हूँ ऑलमोस्ट. ऊपर का तो मैंने सारा ही फिनिश कर दिया है एंड इट स्मेल्स रियली नाइस. मतलब इसको यूज करने के बाद भी बालों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है. इट इज लाइक इसका जो नाम है ना इंटेंस मॉइस्चर, ये एक्चुअल में इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क है. काफी अच्छे से बालों को नरिश करता है, जो भी ड्राइनेस फ्रिजीनेस होती है उसको कम करता है. अगर आपके बाल सुपर फ्रिजी हैं, सुपर ड्राई हैं, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. लेकिन अगर आप हेयर मास्क नहीं यूज करना चाहते, आप कंडीशनर यूज करना चाहते हैं एंड यू वांट द सेम बेनिफिट्स, तो आप सेम रेंज का कंडीशनर भी यूज कर सकते हो. ये मैंने ज्यादा यूज नहीं किया हुआ बिकॉज अगेन नॉट अ कंडीशनर पर्सन, लेकिन जब जल्दी जल्दी में नहाना होता है तो तब कंडीशनर ही काम आता है. इन केस यू डोंट नो द डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन कंडीशनर हेयर मास्क. कंडीशनर जो होता है ना, ये आपको लाइक आपने लगाया और आप लाइक 1 or 2 minutes में रिंस ऑफ कर सकते हो, लेकिन हेयर मास्क को आपको अच्छे से लगा के रखना होता है. हेयर मास्क को जब तक आप 10 से 15 minutes तक नहीं लगा के रखोगे ना, वो रिजल्ट नहीं देगा. सो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ पहले शैम्पू और फिर हेयर मास्क लगा लूँ, एंड देन आई डू लाइक बॉडी एक्सफोलिएशन कर ली, स्क्रबिंग कर ली, फुट फाइलिंग कर ली, बिकॉज इन द मीन वाइल आपके बाल जो हैं वो अच्छे से नरिश हो जाते हैं. अगर टाइम नहीं है तो आप रिवर्स हेयर मास्किंग कर सकते हो. लाइक सर्दियों में मैं रिवर्स हेयर मास्किंग करती हूँ, पहले हल्के से बाल गीले किए, हेयर मास्क को लगा लिया, उसके बाद खाली स्कैल्प पे शैम्पूइंग कर ली, एंड दैट्स इट. उसके नहा लो, काफ़ी जल्दी काम हो जाता है. सो रिवर्स हेयर मास्किंग भी आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट बोथ ऑफ दीज आर रियली नाइस फॉर इंटेंस मॉइस्चराइजेशन. दिस इज द रेंज दैट यू हैव टू ट्राई. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम विशकेयर. विशकेयर के साथ मैंने काफ़ी काम किया है 2023 में, तो मैंने इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे, इसलिए मैं मेंशन भी कर रही हूँ. रोल ऑन तो मेरा फेवरेट है ही, बट ये वाला तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बिकॉज इसकी तो मैंने पता नहीं कितनी बॉटल्स फिनिश करी है 2023 में. मेरे घर पर इसकी 3-4 बॉटल्स एम्प्टीज में होंगी, यहाँ पर मेरे पास 2-3 इसकी एम्प्टीज है. दिस इज़ द हेयर ग्रोथ सीरम कंसनट्रेट. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, आपको पता होगा ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पर तो 2-3 बार पेड कोलैबोरेशन में उनके साथ काम किया हुआ है. काफ़ी बार होता है मैं एक सिंगल प्रोडक्ट को अगर पेड कोलैबोरेशन में प्रमोट करती हूँ ना, तो मैं दोबारा उसको नहीं प्रमोट करती, बट दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई एक्चुअली प्रमोटेड अगेन बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था. ये बेसिकली ऐसे फॉर्म में आता है, यहाँ से ऐसे आप प्रेस करोगे ना, ऐसे सीरम निकलेगा, बिल्कुल पानी जैसा है. और आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको बॉल्डनेस आ रही है, लाइक मुझे यहाँ पर बीच में आनी शुरू हो गई थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे बाल खिंचते थे, हेयर लॉस मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ है. लाइक शादी के जस्ट बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था. आई डोंट नो, कहते हैं ना पानी चेंज होता है, उससे होता है, हॉर्मोन्स एंड ऑल, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हेयर लॉस मेरा पीक पर चला गया था आफ्टर वेडिंग, एंड इसी ने मेरे बालों को बचाया है. मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया है, मेरे जो भी बॉल पैचेस थे वो काफ़ी अच्छे से हील हो गए हैं, हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे से आ गई है. सो ऐसे मैजिक सीरम नहीं है कि अभी लगाया और आपको रिजल्ट मिल गया, आपको इसको 2-3 महीने तक कॉन्स्टेंटली यूज़ करना होता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं. इसलिए जब भी विशकेयर पे बाय वन गेट वन आता ना, मैं इसको फटाफट स्टोरी पर भी प्रमोट कर देती हूँ, ताकि आप बाय वन गेट वन पे 2 बॉटल ले लो, सो दैट आपका लंबे लंबे टाइम के लिए काम चल जाए. सो इसके अंदर रेडेंसिल है, एनेगिन, बायकैपील, कैफीन, बायोटिन, प्लांट केराटिन, राइस वाटर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हेयर फॉल को कम करती हैं एंड एट द सेम टाइम हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है. तो ये दोनों फैक्टर्स पे वर्क करता है. अगर आपको भी ऐसे बॉल पैचेस पड़ गए हैं, फिर आपको हेयर ग्रोथ बढ़ानी है अपने बालों की, तो आप ये सीरम ज़रूर यूज़ कर सकते हो, यू वॉन्ट रिग्रेट. इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़. ऐसे ऐसे स्प्रे किया, जहाँ जहाँ पर हेयर ग्रोथ आपको कम लगते हैं वहाँ पर लगा के मसाज कर लिया, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, इट इज़ लाइक वाटर. सो इसको लगाने के बाद आपको शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको रात को डेली लगाओ, अगले दिन शैम्पू ना भी करो तो भी चलेगा, बिकॉज पानी जैसा है, पता भी नहीं चलता. नॉट ऑल चिपचिप, ग्रीसी, एवरीडे यूज़ के लिए एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट, आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. एंड लास्ट इन द हेयर केयर कैटेगरी हैज़ टू बी अ गुड हेयर सीरम, एंड दिस वन बाय लॉरियल इज माई फेवरेट हेयर सीरम ऑफ 2023. ये एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर सीरम. आई थिंक अब इनकी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये मुझे बहुत पहले नायका के PR में रिसीव हुआ था, और रिसेंटली जब मैं इसका लिंक ढूंढ रही थी तो इसकी पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट मुझे लगी, बट दिस इज द ओल्डर पैकेजिंग दैट आई हैव. बहुत अच्छा सीरम है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फ्रिजी ड्राई हेयर. अगर आप इसको ड्राई वालों पर लगा लोगे ना, तो हल्के से बाल आपके चिपचिप लग सकते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल गीले बालों में लगाना प्रेफर करती हूँ, ताकि अच्छे से सीरम एब्जॉर्ब हो जाए मेरे बालों में. बट वेरी वेरी नाइस, काफ़ी अच्छे से बाल शाइन करते हैं, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, एंड इट इज़ एक्चुअली एन एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल. ये सीरम का भी काम करता है, बालों को रिपेयर भी करता है, शाइन भी देता है. ओके, आई टोटली फॉरगॉट टू मेंशन दिस बॉडी लोशन, ये कॉर्नर में रखा था तो इसलिए मैं मेंशन करना भूल गई, लेकिन मेरा बॉडी के कैटेगरी का ये फेवरेट बॉडी लोशन रहा है इन द ईयर ऑफ 2023. आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट हाफ खत्म ही कर दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी. रेगुलरली नहीं यूज़ करती, डेली बेसिस के लिए मैं अपने रेगुलर वाले जो मॉइस्चराइजर है ना, जो मुझे फेस पर नहीं सूट करते, मैं उनको अपनी बॉडी पर लगा लगा के खत्म करती हूँ. बट दिस इज रियली नाइस फॉर विंटर्स, स्पेसिफिकली फॉर ड्राई स्किन. ये मुझे डर्मेट ने रिकमेंड करी थी, बिकॉज मैंने लेजर कराया हुआ है फुल बॉडी, और फुल बॉडी जिस दिन मेरा सेशन होता था ना लेजर का, वो हमें 2 दिन तक लगाने के लिए एक ट्यूब देते हैं, ताकि बॉडी पे कोई एलर्जी है, कुछ बेसिकली रिएक्शन ना हो. तो उस ट्यूब को हमें मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाना होता है, लाइक थोड़ा सा मॉइस्चराइजर में ऐसे लिया, मिक्स किया, एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन द एरियाज जहाँ आपने लेजर कराई है. तो उन्होंने यही वाला मॉइस्चराइजर मेरा अप्रूव किया था कि आप ऑटोडर्म लगा सकते हो, ये सेफ है, अगेन डर्मेट अप्रूव्ड, रियली नाइस. ये ऑयली स्किन पे सूट करेगा, ड्राई स्किन पे भी सूट करेगा, स्पेसिफिकली ड्राई स्किन में बोलूंगी, बिकॉज ये काफी नरिशिंग है. दिस इज नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन, इस पर लिखा भी हुआ है. रिपेयर करता है, सूथ करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को. अगर आपको लाइक वो एक ड्राई स्किन होती है ना, काफी बम्पी हो जाती है, जो एक एक्जिमा वाली स्किन होती है, आप उस पर भी यूज करोगे ना, आपको काफी अच्छा एक नरिशिंग इफेक्ट मिलेगा. एंड विद दिस माई 2023 फेवरेट्स आर फिनिश्ड. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. काफी लंबी वीडियो थी,
थी, बट आई थिंक हेल्पफुल रही होगी. काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे फेवरेट्स नहीं करे थे, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसी वीडियो फिल्म करके. आई लव शूटिंग नाइस हेल्पफुल कॉन्टेंट फॉर यू, एंड मेरा 2024 का टारगेट है कि आपको अच्छा लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट मिलने वाला है. आई नो 2023 में मैं थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ रही हूँ यूट्यूब पर, मैंने रील्स शॉर्ट्स काफ़ी डाली हैं, लेकिन मैंने लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट इतना ही डाला था. बट आई प्रॉमिस यू गाइज, इस साल आपको काफ़ी सारा अच्छा रिकमेंडेशन, रिव्यूज, ट्राइज, टेस्टिंग, काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट मिलने वाला है. That is it for today's video. I'll see you next time. Bye bye.